हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सानीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 6 का सोशल स्टडीज, लेसन नंबर 12, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, कृषि एंड उद्योग। हमने लास्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर के बारे में देखा था। तो एग्रीकल्चर क्या है, यू नो दैट एग्रीकल्चर इज खेती, टू प्रोड्यूस अ क्रॉप, वेदर इफ फूड क्रॉप्स या कैश क्रॉप एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर इज द प्रोड्यूस ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में एग्रीकल्चर के बारे में देखा था। मेजर क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया वो भी देखा था, 3 टाइप्स के थे। यहाँ पे देख किस किस मंथ में कौन सा क्रॉप्स ग्रो किया जाता है वो हमने देखा था। ये टेबल भी हमने देखा था कि क्रॉप्स फेवरेबल कंडीशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स, वो हमने लर्न किया था लास्ट लेक्चर में। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि भारत की कृषि की मुख्य व्यवस्थाएं हैं। भारत की कृषि की मुख्य व्यवस्थाएं साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर हैज अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट क्या है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज द प्रेसिस्टेड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज द पैरासिस्ट ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है, यानी कि जीवन। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर मीन्स जीवन निर्वाह कृषि। व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द नीड ऑफ अ फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज, इट इज कॉल्ड अ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। यानी कि जो क्रॉप उगाए जाते हैं उसका यूज कहाँ पे होता है, उसका यूज कहाँ नीडेड, किसके लिए जरूरी है, फार्मर और उसकी फैमिली को जरूरी होता है। उस क्रॉप का क्या कहे, उस क्रॉप की जो भी खेती होती है उसे क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, लाइक अ फूड क्रॉप्स। वहाँ पे भी वो जो क्या था, फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज को यूज होता था। व्हेन क्रॉप्स आर ग्रो टू मीट द नीड्स ऑफ अ फार्मर्स एंड देयर फैमिली इज कॉल्ड अ सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स एंड कल्टिवेटेड इन इंडिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ वेराइटी ऑफ द सॉइल, लैंडफॉर्म, वाटर अवेलेबिलिटी एंड डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन। यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स किस पे डिपेंड, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स कल्टिवेटेड यानी कि जो भी उगाए जाते हैं, वावे तो जिसका किया जाता है, जिसकी खेती की जाती है। खेती कल्टिवेटेड का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, खेती, जिस क्रॉप की खेती हो की जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप की खेती किस पे डिपेंडेंट है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटी ऑफ सॉइल्स यानी खेती, लैंडफॉर्म कैसी जमीन होती है, वाटर अवेलेबिलिटी यानी कि वाटर की कैपेसिटी, वाटर कितना होता है एंड डिफरेंट क्लाइमेट ऑफ कंडीशन, क्लाइमेट यानी कि वातावरण पर डिपेंड रहती है। थ्रू द मैनी इंडस्ट्री हैव टू डेवलप इन इंडिया आर द पास्ट सेंचुरी 62% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। यानी कि थ्रू द मैनी इंडस्ट्री हैव डेवलप इन इंडिया पास्ट सेंचुरी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज पास्ट सेंचुरी में डेवलप हुई लेकिन 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। लेकिन 60% ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इंडिया की 62% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर पे। इंडियन फार्मर्स आर स्टिल यूजिंग द आउटडेटेड टूल्स एंड द मशीनरीज फॉर द कल्टिवेशन। यानी कि खेती करने के लिए इंडियन फार्मर किसका यूज करते हैं, तो आउटडेटेड टूल्स यानी ओल्ड टूल्स। आउटडेटेड का मीनिंग क्या होता है, ओल्ड, जूना पुराना हम जो कहते हैं ना, ओल्ड टूल्स एंड मशीनरी फॉर द कल्टिवेशन। यानी कि खेती करने के लिए इंडियन फार्मर कौन सा यूज करते हैं, द ओल्ड टूल्स एंड मशीनरी हैज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स comparatively less and cannot fulfill the increased demands। यानी कि इंडियन फार्मर जो है ओल्ड टूल्स और मशीनरीज का खेती करने के लिए यूज करते हैं, इसके लिए इसकी वजह से जो क्रॉप जो ग्रो होता है, प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है, क्रॉप का जो भी प्रोडक्शन होता है,
कंपेरेटिवली कैसा हो रहा है, लेस हो रहा है। क्यों लेस हो रहा है? क्योंकि वो फार्मर्स जो है ऑल टूल्स और मशीनरीज का यूज करते हैं एंड देयरफॉर कैन नॉट बी फुलफिल इंक्रीज डिमांड। उसकी वजह से जो इंक्रीज डिमांड हो रही है वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे ऑल टूल्स एंड मशीनरी फॉर कल्टिवेशन की वजह से। यानी कि खेती करने के लिए जो ऑल टूल्स और मशीनरी यूज करते हैं फार्मर उस वजह से जो प्रोडक्ट्स होता है कंपेरेटिवली वो लेस होता है एंड जो इंक्रीज डिमांड हो गए वो फुलफिल नहीं कर पाते, कैन नॉट बी फुलफिल। थ्रू द इरीगेशन सिस्टम इज रेपिडली इम्प्रूविंग, इंडिया एग्रीकल्चर इज स्टिल डिपेंड ऑन द सर्टेन मानसून फॉर वाटर। यानी कि इरीगेशन मीन्स सिंचाई सिस्टम जो होती है ना, तो पानी जो खेतों में पानी पाते हैं ना, उस जो सिस्टम होती है इसे क्या कहते हैं, इरीगेशन। थ्रू द इरीगेशन सिस्टम इज रेपिडली इम्प्रूविंग, इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टिल डिपेंड ऑन द अनसर्टेन मानसून फॉर वाटर, अनसर्टेन मानसून फॉर वाटर पर डिपेंड रहता है। थ्रू देयर आर द वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया एंड द कंट्री होल्ड द स्ट्रांग पोजिशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि जो वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स ग्रोन करते हैं इंडिया में, उसकी वजह से जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर की पोजिशन कैसी है, स्ट्रांग है इंडिया में। इंडिया फार्मर्स स्टिल फेस मैनी प्रॉब्लम्स फॉर नॉट फॉलोइंग एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इंडियन फार्मर्स स्टिल फेस मैनी प्रॉब्लम्स फॉर नॉट फॉलोइंग एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अ फ्यू ऑफ द सीरियस प्रॉब्लम इंक्लूड डिपेंडिंग ऑन द इरेग्युलेशन मानसून, स्मॉल साइज ऑफ फार्मर, इनसफिशियंट इरीगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड यूजिंग द ओल्ड मशीनरी एंड टेक्निक। अ फ्यू ऑफ सीरियस प्रॉब्लम इंक्लूड डिपेंड ऑन द इरेग्युलेशन मानसून। यानी कि जो सीरियस प्रॉब्लम है खेती करने के लिए फार्मर्स की वो क्या है, तो कौन कौन सी है, तो इरेग्युलेशन मानसून, जो कि बारिश इरेग्युलेशन होती है, वो इरेग्युलर मानसून, स्मॉल साइज ऑफ फार्मर, यानी कि जो फार्म होता है, खेतर होता है, उसकी साइज कैसी होती है, कम। इनसफिशियंट इरीगेशन फैसिलिटी, यानी कि जो सिंचाई की फैसिलिटी होती है इरीगेशन, यानी कि सिंचाई को जो पोजीशन होती है वो सफिशियंट नहीं होती, जो जितनी चाहिए उतनी नहीं होती, इनसफिशियंट यानी कि जितनी चाहिए उतनी नहीं होती। लैक ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि किसका अभाव, उपजाऊ का अभाव, फलद्रुपता जमीन होती है ना, जो सॉइल यानी कि मिट्टी की जो फलद्रुपता होती है उसका अभाव, एंड यूजिंग द ओल्ड मशीनरी एंड टेक्निक, यानी कि जो ओल्ड मशीनरी और टेक्निक की यूज करके वो ज्यादा क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम इंक्लूड है सीरियस प्रॉब्लम में, तो इरेग्युलर मानसून, स्मॉल साइज फार्म, इनसफिशियंट इरीगेशन फैसिलिटी, लैक ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड यूजिंग द ओल्ड मशीनरी एंड टेक्निक्स। एन इनिशिएटिव फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ अ क्रॉप्स एंड मोनो टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वॉज द अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 1916। यानी कि जो गवर्नमेंट का रूल फॉलो हुआ 1916 में, जो कि उसे क्या कहा जाता है, तो इट इज वॉज कॉल्ड द ग्रीन रिवॉल्यूशन। यानी एन इनिशिएटिव फॉर अ इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ द क्रॉप्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वॉज अंडरटेकन बाई द गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1916। यानी कि 1916 के टाइम पे क्रॉप्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो वेराइटीज होती है हाई यील्डिंग, यानी कि उपजाऊ,
जो उपजब हो रहा है खेती का है वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वाज अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1916। इट वाज अ गोल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। दिस रिवॉल्यूशन हैज ब्रॉट अबाउट मिराकल मिराकल इन इंडियन एग्रीकल्चर। मिराकल यानी चमत्कार। दिस रिवॉल्यूशन हैज ब्रॉट अबाउट अ मिराकल इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये हमारा क्या हुआ कि साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि जो जो भारतीय कृषि की मुख्य व्यवस्थाएं है वो दिखाई है यहाँ पे, वो साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ क्विक रिकैप। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द इंडियन एंड इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन, तो पेज नंबर 99 पे है। व्हाई इज द इंडिया एंड इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन, तो पेज नंबर 99 पे है। इंडिया को क्यों इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन कहा जाता है, उसका आंसर पेज नंबर 99 पे है। एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया एंड हेंस द 70% ऑफ ओवर टोटल पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंड ऑन इट फॉर देयर लाइवलीहुड। बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड इन इंडिया। दैट्स व्हाई द इंडिया एन इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन। नाउ सेकेंड क्या है, क्लासीफाई द डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन इंडिया। डिफरेंट क्रॉप्स जो है, हमने टू टाइप्स के क्रॉप इंडिया में ग्रोन होते हैं वो देखा था, तो पेज नंबर 100 पर है। फ्रूट क्रॉप्स एंड एग कैश क्रॉप, उसके बारे में जो डिटेल है वो क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है कि फ्रूट क्रॉप्स क्या है और उसके एग्जाम्पल कैश क्रॉप क्या है और उस क्या है और उसके एग्जाम्पल। नाउ थर्ड वन क्या है, स्टेट द फेवरेबल कंडीशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एनी वन फूड क्रॉप्स, यानी कि एनी वन फूड क्रॉप्स से क्या क्या लिखना है, फेवरेबल कंडीशन और डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वो पेज नंबर 101 पे है। तो पेज नंबर 101 पे है, ये फ्रूट क्रॉप्स दिए है, तीन दिए है, राइस व्हीट एंड मिलेट्स। आप उसमें से आपको एक के बारे में लिखना है, फेवरेबल कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स। नाउ फोर्थ क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर द रोल ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर वो लिखना है, वो क्या है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, हमने अभी देखा है इनिशिएटिव फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ अ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ अ क्रॉप्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वॉज अंडरटेकन बाई द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 1916। इट्स वॉज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। दिस रिवॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट माई मिराकल इन इंडियन एग्रीकल्चर। वहाँ तक लिखना है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे।